रियासत की बहुत छोटी छोटी और दरमियानी सनतों के वजीर राकेश सचान, रियासती वजीर अनूप प्रधान वाल्मीकि और रियासती वजीर रविन्द्र जायसवाल ने गोंडा में जेर तामीर मेडिकल कॉलेज का आज मुआयना किया। उन्होंने मियारी तारीम के लिए अफसरान को हिदायत दी। बाद में राकेश सचान ने गेहूं खरीद मरकज का भी मुआयना किया और वहां किसानों से बातचीत की। उन्होंने गोंडा जिले के अस्पताल पहुंचकर वहां मरीजों से बातचीत की और ब्लड बैंक और दवा तकसीम मरकज का मुआयना भी किया। उन्होंने बताया कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने महकमों से 100 दिनों के कामों का प्रेजेंटेशन लिया है, जिसमें आवाम की सहूलियात पर खसूसी तवज्जो देने और बेहतर इंतजाम करने के सिलसिले में हिदायत दी गई। अमृत महोत्सव चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में पीएससी में मेले लगाए जा रहे हैं, लोगों को फ्री दवा वितरण किया जा रहा है और सब तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं। आज हम लोग जो गोंडा दौरे में आए हैं, हमारे पूरा मंत्री समूह जो आए हैं, सब लोगों की मंशा यही है कि अभी तक प्रेजेंटेशन हुआ है, अब हम लोग जनता के द्वार सरकार खड़ी है। जो भी योजनाएं हैं वो मुख्यमंत्री जी की, प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की, वो योजनाओं का लाभ जन जन तक लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब बना के जहां खामियां मिलेगी जो भी होगी सारे अधिकारियों को बैठा के बात करेंगे, जनप्रतिनिधि जो यहां पर चुने हुए विधायक हैं उनसे बात करेंगे, संगठन के लोगों से बात करेंगे।